हेलो एवरीवन, दिस इज शुभमन घोष और आप लोगों को स्वागत करता हूँ मेरे और एक वीडियो में, जो कि हम पिछले वीडियो में ब्लॉग नहीं कर पाए थे जोड़ बंगला की, तो आज हम कर लेंगे इस जोड़ बंगला की ब्लॉग। तो मेरे साथ आज है विजय और सौरभ, दो बंदे, तो आप देख सकते हो। तो पीछे साइड हम जो देखे थे पिछले वीडियो में वो था लालजी मंदिर उधर है, और यहाँ पर है राधेश्याम मंदिर, और आज हम देखेंगे जोड़ बंगला मंदिर। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अभी जोड़ बंगला के अंदर। तो ये मंदिर जो दो छत है वो एक साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका नाम है जोड़ बंगला मंदिर। और चारों तरफ है गार्डन बना हुआ है अच्छे से, आप देख सकते हो। ये टूरिस्ट प्लेस है और बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं ये सारी चीज़ों को देखने के लिए। ये है मंदिर की लेफ्ट साइड, और यहाँ पर एक दरवाज़ा बना हुआ है, ऊपर चढ़ना मना है, इसीलिए हम ऊपर जाके तो नहीं दिखा सकते। और ये जो साइड है हम जा रहे हैं, ये है, यह है राइट साइड मंदिर की, और यहाँ पर भी ये है पीछे साइड। यहाँ सब चारों तरफ ही आपको जो चीज़ें देखने को मिलेगा, उसमें टेराकोटा की अच्छी कारुकार्य आपको देखने को मिल जाएगा। टेराकोटा डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है, और ये सारी डिज़ाइन रामायण। तो फ्रेंड्स, और सारी जो स्टोरी है इस डिज़ाइन की, वो पौराणिक जो भी स्टोरी था उनमें से लेकर टेराकोटा की काम किया गया है। और ये सारी मंदिर विष्णुपुर की जो भी मंदिर है, वो सारी मंदिर विष्णु जी के, यानी कि भगवान श्री विष्णु के नाम पर सभी मंदिर हैं, मदन मोहन जी के नाम पर। और ये बनाया था मल्लराज ने 1655 में, ये बनाया गया था। और ये है, हम आगे हैं मंदिर की राइट साइड पर, और आप देख सकते हो बहुत लोग आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर है एक दरवाज़ा जो कि अभी खाली पड़ा है अंदर, और यहाँ ऊपर उठना मना है, तो इसीलिए हम ऊपर नहीं जा सकते। और तो फ्रेंड्स, ये है मंदिर की जो राइट साइड है, आप देख सकते हो सारी जो डिज़ाइन चारों तरफ की बना हुआ है। और यहाँ पर जो भी डिज़ाइन है वो पौराणिक के जो स्टोरी है उसको लेकर बनाया गया है। और अनोखी जो चीज़ें हमें देखने को मिलता है वो है, ये सारी मंदिर की डिज़ाइन पूरी बना है जो मिट्टी से बना है, और यह है लैटराइट जो नाम है इस मिट्टी का, और जो डिज़ाइन है उसका नाम है टेराकोटा, और टेराकोटा के लिए फेमस है बैंकुड़ा, जो कि मिट्टी को जलाया जाता है, उसके बाद जो रेड कलर का बनता है इसी को टेराकोटा, उससे से डिज़ाइन जो बनता है उसको टेराकोटा बोलते हैं। और इसी के लिए ये विष्णुपुर की सारी मंदिर है बहुत ही फेमस है। और आज तो फ्रेंड्स, ये जो गार्डन बना हुआ है चारों तरफ, तो इस जगह जाना मना है, क्योंकि ये सारी सुरक्षित रखने के लिए ये रूल बनाया गया है, और इसके लिए भी बोर्ड है, आप देख सकते हो बोर्ड उस तरफ। हाथ चा, हाथ चा। तो फिर देख सकते हो हम आगे हैं अभी बाहर, और जाएंगे जो नेक्स्ट मंदिर है उसकी तरफ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर भी एक पुराना मंदिर है, इसका तो कुछ आता पता नहीं है, पास के लोगों की द्वारा जाना जा सकता है। ये है विष्णुपुर की गुमघाट कहते हैं, और ये है जगह वो, तो आप देख सकते हो ये कुछ ऐसी दिखती है, और इसका कुछ ऐसा है, और हम जा रहे हैं अभी उसके पास।
और फ्रेंड्स ये है नज़ारा। ये तो फ्रेंड्स ये है घूमघोर बिष्णुपुर की, और इसके बारे में बहुत सारी कहावत है। कुछ लोग तो इसे कहते हैं कि जो पिछले दिन के अपराधी थे तो उन लोगों को दंड देने के लिए मलराज की ये व्यवस्था ले गए थे, तो ऊपर से उन अपराधियों को गिराया जाता था नीच पर। और आप सोच ही सकते हो उसके बाद क्या होगा, क्योंकि जो नीचे साइड है डाउन में बहुत सारे तलवार लगा हुआ है, और जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन लोगों के हिसाब से है ये राजवाड़ी का जलाधार था, यानी कि बहुत ही बड़ा एक वाटर टैंक था। और कुछ लोग इसे सस्याग्यार यानी कि जो फसल होती है उसको उसकी स्टोरेज वो ही बोलते हैं। तो यही तीनों कहावत इसके बारे में प्रचलित है। तो आप देख सकते हो ये कुछ ऐसी शेप में है, और मैं ऊपर से शूट करके तो नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे पास तो ड्रोन नहीं है अभी। फ्रेंड्स देख सकते हैं कुछ ऐसी नज़र है अंदर की, तो आप देख सकते हैं अंदर से ऐसी है फोटो में जो दिया गया है। यही है घूमघोर बिष्णुपुर की, और उधर है सामराई टेम्पल और सामराई मंदिर बोलते हैं उसे, तो हम उधर भी जाने वाले हैं।